हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चेक अवेलेबिलिटी की फंक्शनैलिटी को जो है ऐड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पर काम करेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए ये एम्प्टी पेज है, तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमको एक बैकएंड भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड को क्रिएट कर लेंगे, ईजी पड़ता है। उसके बाद में हम इसके लिए एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो यूज़र राउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। इसी के नीचे आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, अपॉइंटमेंट्स लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, गेट करेंगे राउटर डॉट गेट मेथड। उसके बाद में आपको जो है एंड पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले यूजर्स के जो है ना अपॉइंटमेंट्स हम ले लेंगे। सो यूजर अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और उसके बाद में कंट्रोलर। सो इसका नाम सेम रख देंगे, यूजर अपॉइंटमेंट्स कंट्रोलर, और इसको जो है कॉपी कर लेंगे, यूजर कंट्रोलर में इसको क्रिएट करेंगे। नीचे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्स्ट यूजर अपॉइंटमेंट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको कॉपी करके नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट सेव, और यूजर राउट के अंदर जो है इसको इम्पोर्ट कर देंगे, आर कट करके कंट्रोल स्पेस, यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको भी। यूजर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एसिंक कर लेंगे, यानी ये जो फंक्शन है इसको एसिंक बना देना है। आई होप आप फेमिलियर हो चुके होंगे इससे। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉक कर देंगे एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो, और यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500.send, और इसके अंदर आपको सबसे पहले सक्सेस को फॉल्स कर देना है, उसके बाद में एरर ऑब्जेक्ट, और एक मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर इन यूजर अपॉइंटमेंट्स। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स को गेट करेंगे। सो उसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट्स इक्वल टू अवेट अपॉइंटमेंट्स मॉडल डॉट फाइंड, और क्या फाइंड करना है हमको, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को जो है फाइंड करेंगे, और उसके बेसिस पे जो है इसको फैच करा के दे देंगे अपॉइंटमेंट्स को। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज कर लेंगे, और इसके अंदर से हमारे पास आने वाली है यूजर आईडी। अब इसको हमने गेट कर लिया, इसके बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हम भेजा सकते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 यानी ओके रिक्वेस्ट डॉट सेंड, इसमें हम क्या कर देंगे, सक्सेस को जो है ना यहाँ पर ट्रू कर देंगे। उसके बाद में मैसेज भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं, यूजर्स अपॉइंटमेंट फेच सक्सेसफुली, और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स को हम जो है फेच करा देंगे, यानी पास करा देंगे इसको। जो भी अपॉइंटमेंट्स हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर पास करा दिया। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे, और इसका नाम हम रख देंगे अपॉइंटमेंट्स, और इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इनिशियली इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 ले लेंगे। मैं यहाँ पर H1 ले लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ अपॉइंटमेंट्स लिस्ट, और इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी कर लें, सेव कर लेते हैं इसको, और इस राउट को जो है app.js में हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर देंगे। सो एकदम लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाला राउट कॉपी पेस्ट, पाथ इसका रहेगा अपॉइंटमेंट्स, इस कंपोनेंट के बदले अपॉइंटमेंट्स का कंपोनेंट जो है शो कराएंगे। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप पे इम्पोर्ट हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे ये काम करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और यहाँ से मैं अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ओके अपॉइंटमेंट्स पे ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं क्यों। राउट है अपॉइंटमेंट्स, इस होम वाले क्या करता हूँ मैं लास्ट में कर देता हूँ, होम वाले राउट को जो है ना हम कट करके लास्ट में कर देंगे, और ये पब्लिक राउट है ना तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रोटेक्टेड राउट कर देंगे, प्रोटेक्टेड राउट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, अब मैं अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है सक्सेसफुली आ रही है। अब हमको यहाँ पर इसको शो कराना है, तो उसके लिए हमको अगेन एक फंक्शन जो है कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बना देंगे। पहले तो एक स्टेट बना देता हूँ जिसमें हम जो है अपॉइंटमेंट्स को जो है स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यू स्टेट, यू स्टेट की मदद से हम गेट करेंगे, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी कर दें, तो टॉप पे हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे, रिएक्ट के बाद में कॉमा लगा लें, और उसके बाद में यू स्टेट हुक को जो है आप ऐड कर दें, और यू इफेक्ट हुक भी लगेगा तो उसको भी हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। इसी तरीके से API कॉल करेंगे, उसके लिए एक्जियोस भी लगेगा तो उसको भी इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस, और यहाँ पर उसका वेरिएबल बना देंगे, इनिशियली ये एम्प्टी एरे रहेगा, और यहाँ पर हम बना देंगे अपॉइंटमेंट्स सेट अपॉइंटमेंट्स, और उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे इनिशियल टाइम पे। सो गेट अपॉइंटमेंट्स का एक फंक्शन बना देते हैं हम इक्वल टू एरो फंक्शन, इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे हम, और ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें यूज कर लेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, कैच में हमको कंसोल डॉट लॉक करना है सिर्फ एरर को, इसमें हम कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेंगे, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट
अवेट किस चीज का करना है, यहाँ पे एक्जियोस मेथड हम कॉल करेंगे, एक्जियोस डॉट गेट मेथड, और इसके अंदर आपको जो एपीआई कॉल करना है तो एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर स्लैश, और इसका नाम हमने रखा था यूजर अपॉइंटमेंट्स, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर्स जो है ना पास करा देंगे। सो हेडर्स आपको लिखना है, उसके अंदर हमारे पास टोकन है, सो ऑथराइजेशन आपको पास कराना है, और बैकटिक का यूज कर लेंगे, इसमें बीएरआर हम पास करा देंगे। उसके बाद में डॉलर कर्ली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज में अपने पास टोकन है तो उसको हमको गेट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर से हमको चाहिए टोकन। तो हेडर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास रहेगा सक्सेस रिस्पॉन्स, तो उसको चेक कर लेंगे, इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, यहाँ पे हमारे पास मैसेज कंपोनेंट है, या फिर डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट को सेट करा देंगे। सो सेट अपॉइंटमेंट, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर हमारे पास डेटा का ऑब्जेक्ट है, तो उससे हम फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको, और यूज इफेक्ट हुक में जो है कॉल कर देंगे, यानी इनिशियल टाइम पे अपने को चाहिए ना, इसीलिए हम जो इसको कॉल कर देंगे यूज इफेक्ट हुक के अंदर। सो आपको लिखना है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट के अंदर हम मल्टीपल फंक्शन जो है कॉल कर सकते हैं, साथ ही में आप डिपेंडेंसी भी जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा गेट अपॉइंटमेंट्स, इसको आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेंगे इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर, यहाँ से मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और नेटवर्क टैब में एक बार चेक कर लेंगे, इनिशियली कुछ भी नहीं, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स आ रहा है अपॉइंटमेंट्स पर, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम रिस्पॉन्स भी चेक कर लेंगे एक बार, तो रिस्पॉन्स में यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है कुछ भी, फिर से चेक कर लेते हैं हम एक बार, कहाँ गया अपॉइंटमेंट्स, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से इसको, और इनिशियली सबको क्लोज कर देंगे। तो ये रहा यूज़र अपॉइंटमेंट्स, देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं होम पर जाता हूँ, और उसके बाद में मैं अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये कॉल हो रहा है यूज़र अपॉइंटमेंट्स, फर्स्ट टाइम में ये लोड नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप 304 का इशू आ रहा था, उसके बाद में देखिए यहाँ पर बराबर से ये शो कर रहा है। रिस्पॉन्स अगर चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड डिजाइन टेबल का यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना कॉलम्स के लिए एरे बना देंगे, उसके बाद में टेबल का यूज़ कर लेंगे। सो कॉन्स्ट कॉलम्स इक्वल टू एरे, एरे के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसमें हम टाइटल ऐड कर देंगे, टाइटल, और इसका नाम हम रख देंगे आईडी, फिर उसके बाद में डेटा सोर्स आपको ऐड करना पड़ता है, डेटा सोर्स नहीं डेटा इंडेक्स, और आईडी आएंगे अंडरस्कोर आईडी में से। उसके बाद में सेकेंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, टाइटल ऐड कर दें आप सबसे पहले, और सेकेंड वाला नेम रहेगा, उसी तरीके से हमारे पास रहेगा डेटा इंडेक्स, और इसमें हम क्या करेंगे सेम नाम रख देते हैं नेम, क्योंकि नेम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे रेंडर की मदद से उसको गेट कर लेंगे। रेंडर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट, और फिर उसके अंदर हमारे पास होता है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड की मदद से हम उसको गेट कर लेंगे, और ये कॉमा है। तो ये क्या है, ये एरो फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है, कुछ भी इसके अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, नॉर्मल एचटीएमएल भी आप इसमें रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे डायरेक्टली जो है ना रिटर्न करा देंगे, जैसे कि रिकॉर्ड की मदद से रिकॉर्ड, उसके अंदर हमारे पास है डॉक्टर आईडी, और इस डॉक्टर आईडी के अंदर हमको मिलेगा नेम, नेम भी नहीं डायरेक्ट फर्स्ट नेम रहेगा अपने पास, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर ये रेड लाइन में शो कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको स्पैन में ले लेंगे, तो स्पैन का आपको यूज कर लेना है, और इसके अंदर हम इसको जो पास करा देंगे। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हमको यहाँ पर लास्ट नेम भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम कर देता हूँ लास्ट नेम। सेव कर लेते हैं पहले इसको, और इसी को मैं क्या करता हूँ मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। इसके बाद में हम फोन गेट कर लेंगे, फोन, और फोन के लिए हमने फोन ही दिया था, और लास्ट नेम को रिमूव कर लेता हूँ, और डॉक्टर इन्फो में हमारे पास फोन है, तो यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से और कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी पेस्ट, और इसके बाद में डेट एंड टाइम जो है हम शो करा देंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट, और रिकॉर्ड में से हमारे पास डेट और टाइम दोनों भी आने वाला है, तो उसको हमको यहाँ पर शो कराना है, और मोमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मोमेंट को ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ मैं, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, और नीचे उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखिए फोन यूज़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर लेंगे, और डायरेक्टली जो है ना मोमेंट की मदद से इसको गेट कर लेंगे। सो कन्वर्ट कर देंगे पहले मोमेंट की मदद से, मोमेंट, मोमेंट के अंदर हम क्या करेंगे रिकॉर्ड की मदद से जो है डेट को गेट कर लेंगे, रिकॉर्ड डॉट डेट, और इसको जो है फॉर्मेट कर देंगे हम, फॉर्मेट, और हमारे पास फॉर्मेट था mm डैश, सॉरी डेट था ना पहले DD MM डैश YYY, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे टाइम को भी गेट कर लेंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और नीचे पेस्ट कर दूंगा, डेट के बदले यहाँ पर टाइम को गेट कर लेंगे, और टाइम का फॉर्मेट हम यहाँ पर चेंज कर देंगे HH:MM। सेव कर लेते हैं इसको, और हाँ स्टेटस भी हमको शो कराना था, तो स्टेटस को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर गेट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे नाम रख देता हूँ स्टेटस,
और रेंडर इसमें नहीं चाहिए, रेंडर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और डेटा इंडेक्स में हमको स्टेटस जो है शो कराना है, स्टेटस। अब टेबल का यूज़ कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आप क्या करें, टेबल को इंपोर्ट कर दें एंड डिज़ाइन में से, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमको मिलते हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स के लिए हमने एरे बना के रखा है, तो जो भी आपने नाम दिया होगा, हमारे केस में कॉलम ही हमने नाम दिया है। देखिए ये रहा कॉलम्स, सेम नाम लिखा है, तो हम यहाँ पर उसको पास करा देंगे। उसके बाद में हमको डेटा सोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि हम गेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स में से, और उसको हमने अपॉइंटमेंट्स के वेरिएबल के अंदर यानी स्टेट के अंदर स्टोर करके रखा है, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और देखते हैं हमारे पास आउटपुट सही से शो करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए सक्सेसफुली अपने पास डेटा आ रहा है, लेकिन उसका नेम और फोन नंबर नहीं आ रहा है, और डेट और टाइम बराबर से आ रहा है, और इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NBSP का यूज़ कर लेंगे, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, सेव। चेक करते हैं स्पेस मिलता है या नहीं, तो देखिए बराबर से स्पेस आ रहा है। फर्स्ट जो वैल्यू थी वो 00 सेलेक्ट हुई, उसके बाद में 8 का आया है, और ये हमने कल की डेट में किया था यानी 14 को, आज 15 है, तो यहाँ पर कल की डेट का अपॉइंटमेंट बता रहा है। आप चाहे तो और फ्रेशली जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेम और फोन नंबर देख लेंगे हम क्यों नहीं आ रहा है, तो चलते हैं नीचे डॉक्टर ID, रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं हम एक बार, इंस्पेक्ट नेटवर्क, रिफ्रेश, यूज़र अपॉइंटमेंट्स, रिस्पॉन्स, डेटा है, डेटा का ऑब्जेक्ट है, उसमें डॉक्टर ID है। अच्छा, तो डॉक्टर ID है खाली अपने पास, और उसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं है, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये डॉक्टर इन्फो में से आएगा, चेक कर लेते हैं हम एक बार, डॉक्टर इन्फो करके इसको चेक कर लेते हैं। डॉक्टर ID है ना, उसके बदले डॉक्टर इन्फो कर देंगे इसको, डॉक्टर इन्फो। स्टिल यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखिए फ़ोन यहाँ पर नहीं आ रहा है और नेम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से फ़ोन और नेम को टेम्प्रेरी जो है रिमूव कर लेंगे, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको जो है कॉमेंट आउट कर दें, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे। फ़ोन को कॉमेंट कर दें, और डॉक्टर का नेम भी नहीं आ रहा है ना, तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट में हमारे पास इशू हो, अगर डेटाबेस में वो सेव नहीं होगा तो फिर फेच भी नहीं होगा। सेव कर लेते हैं इसको। अभी फिलहाल हमारे पास तीन वैल्यूज है, रिफ्रेश, अपॉइंटमेंट ID है, फिर टाइम है, और फिर स्टेटस है। तो स्टेटस में क्या रहेगा, हम जो है डॉक्टर को फंक्शनैलिटी देंगे कि वो वहाँ से अप्रूव कर पाए, और इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ID है, यूज़र नेम डॉक्टर ID है, यूज़र इन्फो है, और डॉक्टर इन्फो में ID है खाली, तो वो भी एक इशू है, हमने इसको स्टोर नहीं कराया था, तो इस वजह से हो रहा होगा। तो चलिए देखेंगे इसको बाद में, फिलहाल तो देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है डॉक्टर को भी कर लेंगे कवर, तो हमारा मेन फंक्शनैलिटी तो कंप्लीट हो जाती है, फिर बग्स फिक्सेस रहेंगे मोस्टली, तो हमारी एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।